आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चेयरपर्सन नीलम कादियान अहलावत जी ने झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उन वीर सपूतों को नमन किया। इस अवसर पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सर्वत्र अर्पण करने वाले अमर सेनानियों को कोटि कोटि नमन भी किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया है वो सबसे बड़ा योगदान है, उसी की वजह से आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। उनको सत सत नमन करती हूँ। मैम आज 15 अगस्त को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज हमने अपने कोऑपरेटिव बैंक में झज्जर में सभी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों पैक्स के कर्मचारियों के साथ तिरंगा झंडा फहराया। ये हमारा झंडा है, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, और मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। आज 15 अगस्त है मैडम, आपने झंडा फहराकर बैंक वालों अपने कर्मचारियों के साथ वीरों को याद किया, क्या लेकर कहते हैं? आज हमने सबने मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर अपना तिरंगा झंडा फहराया। ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को, बैंक के सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। और हम आज 15 अगस्त पर झंडा तिरंगा झंडा को फहरा के उन वीर बलिदानों की, उनकी जो तपस्या है, त्याग है, उन्होंने जो अपना जीवन कुर्बान किया, आज हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, याद करते हैं। उन वीर बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और बहुत सारे वीर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने युवावस्था में ही अपना जीवन कुर्बान किया। मैम विधानसभा चुनाव सर पर है, हमने लगातार गांव का सर्वे किया, बेरी विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बहुत सारी घोषणाएं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश में अनेक घोषणाएं की है, जिससे हमारी 36 बिरादरी को फायदा हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हमारी महिलाओं को भी, किसानों को भी, युवाओं को भी फायदा हुआ है, और ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे 36 बिरादरी को लाभ हुआ है। और मोदी सरकार में पहली बार हम ये देख रहे हैं जो राज पहले था वो राज फिर दोबारा बना रही है मोदी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था मोदी जी ने, आज वो साकार होता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा आज बहुत ही सार्थक साबित हो रहा है। हमारी बेटियों की संख्या भी बढ़ी है और हमारी बेटियां हैं वो परचम लहरा रही हैं। हमारी बेटियों ने, मनु भाकर ने भी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए, विनेश फोगाट ने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ अपनी ओलंपिक में जगह बनाई, लेकिन कुछ कारणों से चूक हुई, तो चूक हुई, सारा देश उसके साथ है। विनेश के आज हम संघर्ष और चुनौतियों को भी नमन करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी विनेश को कहा कि हम, विनेश हमारे लिए मेडलिस्ट है, क्योंकि आज भी वो हमारे लिए एक विजेता ही है, और उनके लिए घोषणाएं की हैं कि जो सिल्वर मेडल जो खिलाड़ी लाते हैं उनके सम्मान ही, उनको सम्मान भी दिया जाएगा। जो सिल्वर मेडल के खिलाड़ी हैं उनके सम्मान उनको 4 करोड़ की राशि लगातार दी जाएंगी। लगातार बेरी विधानसभा में आप सर्वे कर रहे हैं, आप जा रहे हैं बैठकों में, आदमी से मिल रहे हैं, जान पहचान बना रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है किसानों के लिए जी, किसानों में भी बहुत ही अच्छा मतलब माहौल है, उत्साह है कि किसानों को जो 133 करोड़ जो नहरी पानी का जो उगाई थी इसको भी माफ किया है, और हमारा जो हरियाणा राज्य है वो उसमें सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और इसके साथ साथ जो बहनें उज्ज्वला गैस की जो थी, उन्होंने जो सिलेंडर मिले थे वो भी 500 रुपये का सिलेंडर किया है, और युवाओं को भी जो 7400 TGT जो भर्ती हुए हैं, और 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनको भी पक्का किया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं हमारे नायब सैनी जी कर रहे हैं,
तो मैं गांव में जाती हूँ, किसानों में, युवाओं में, माताओं बहनों में बहुत ही अच्छा माहौल है। और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। धन्यवाद।